नमस्कार, हिमालिनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी टेलीविजन से मैं हूं अंशुल राजपूत, करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। 13 अक्टूबर को अंतरिक्ष में दिखेगा अद्भुत नजारा, चूके तो 2035 तक करना पड़ सकता है आपको इंतजार। अब से 3 दिन बाद यानी कि 13 अक्टूबर को अंतरिक्ष में कुछ ऐसा होगा जिसे आपको अगली बार देखने के लिए 2035 तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, इस दिन मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब होगा, जिससे यह सबसे बड़ा दिखाई देगा। खगोल वैज्ञानिकों और मंगल ग्रह को पसंद करने वाले लोगों में इस बात को लेकर खासा उत्साह है। मंगल ग्रह 13 अक्टूबर को थोड़ी देर के लिए पृथ्वी के सबसे करीब देखा जाएगा। 2035 तक इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। यह तब होगा जब मंगल सूर्य के विपरीत होगा और पृथ्वी सीधे मंगल और सूर्य के बीच स्थित होगी। मंगल और पृथ्वी की परिक्रमा एक साथ होने की वजह से मंगल सूर्यास्त के समय आसमान में लोगों को दिखेगा। उस वक्त ग्रह सबसे चमकदार और दूरबीन में अपने सबसे ज़्यादा स्पष्ट आकार में नज़र आएंगे। जानकारी के मुताबिक मंगल ग्रह 6 अक्टूबर को वास्तव में पृथ्वी के सबसे करीब था, जो ग्रहों की कक्षाओं के आकार और झुकाव के कारण सिर्फ 62 मिलियन किलोमीटर 39 मिलियन मील की दूरी पर था। मंगल ग्रह चंद्रमा से 160 गुना अधिक दूर है और 2035 तक यह फिर से नहीं देखा जा सकेगा। इस शानदार दृश्य को देखने के लिए आपको यह आशा करनी होगी कि शाम को आसमान साफ रहे। अगर आसमान साफ रहता है तो मंगल ग्रह पूर्व दिशा में दिखाई देगा। मंगल ग्रह अपने उज्ज्वल नारंगी रंग में चमकता हुआ दिखाई देगा। मंगल ग्रह आधी रात तक दक्षिण दिशा में चला जाएगा। यदि आपके पास उच्च गुणवत्ता वाला टेलीस्कोप है तो आप ग्रह की सतह की एक झलक पा सकेंगे। जो ग्रह नग्न आँखों से तारे की तरह दिखता है, वह चंद्रमा के समान स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जरूर देखिएगा, आपको हम बता दें 13 अक्टूबर को अंतरिक्ष में दिखेगा अद्भुत नजारा, चूंकि तो 2035 तक करना पड़ सकता है आपको इंतजार। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हिमालिनी टेलीविजन के साथ।